अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आरिफ, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आरिफ व्लॉगर। तो जी कैसे आप, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है, अभी सूरज जो है ना अभी निकला है। अभी ये देखें, मैं सुबह सुबह आ गया अपने पोल्ट्री फार्म में, मुर्गी फार्म में माशाल्लाह। और इधर हैं जी हमारे मोर, अभी ये आप देख सकते हैं कि हमारे मोर जो है ना कितना बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह। काफ़ी दिनों बाद मैं जो है ना वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा काम में मसरूफ़ था, इसलिए ये देखें जी माशाल्लाह, ये हैं जी हमारे मोर। और इस साइड में हैं जी हमारे कबूतर माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं। और ये देखें, ये जी हमारे मुर्गी का खाना, इसमें देखें बहुत सामान मिक्स है इसमें। ये अलग भी है और ये मक्के का दाना भी है, इसमें पूरा जो है ना दाना जो है ना इसमें मिक्स है। अभी ये मुश्ताक भाई जो है ना पूरी मुर्गी को खाना दे रहा है बहर में, फिर जो है ना ये सारी मुर्गी को हम बहर में निकालेंगे इंशाल्लाह अभी। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये कुछ हमारी मुर्गी बहर में है, ये रात को बैठ जाती हैं छत के ऊपर, जिसकी वजह से सुबह होते ही ये पूरी की पूरी नीचे उतर आती हैं। अभी ये देखिए खाना कुछ नीचे डाल दिया, कुछ इसमें ऐसे डब्बे में डाल देंगे, क्योंकि मुर्गी हमारी है बहुत सारी माशाल्लाह। वो देखिए उसमें बंद है, वो अभी बहर में निकालते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। और इस साइड में जी हमारे मुर्गी के चूजे, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाता था, बहुत ही छोटे होते थे। अभी ये देखिए चेक करें माशाल्लाह, ये एक डेढ़ महीने में जो है ना, एक महीने में ये या तकरीबन एक महीना 10-15 दिन हो गए हैं, उसमें जो है ना ये कितने ग्रोथ हो गया इनकी अच्छी माशाल्लाह। देखिए कितना बड़े हो गए हैं ये अभी। ये एक 3 रुपए का एक दाना हमने ख़रीद किया था, अभी ये चेक कर सकते हैं, अभी जो है ना हम इसको 15 रुपए का दाना बेच सकते हैं। देखिए माशाल्लाह, वो देखिए जी मुश्ताक भाई ने मुर्गी बहर में निकाल दी उधर से पूरी। ये देखिए माशाल्लाह, अभी ये देखें जी माशाल्लाह, हमारे जो गोल्डन मुर्गे हैं कितना बड़े हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी ये खाना खा रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह। और ये सफ़ेद वाला मुर्गा भी है हमारे पास, दो तीन मुर्गे जो है ना वो सफ़ेद वाले हैं माशाल्लाह। चेक करें जी, ये विटामिन वाला पानी है, इसमें जो है ना हमने विटामिन मिक्स कर दिया ताकि मुर्गी को जो है ना नज़ला और बुखार नहीं हो। कुछ जो है ना इधर खा रही हैं खाना, और कुछ जो है ना उस साइड में खाना खा रही हैं, बाकी उस साइड में है और उधर भी है। वो डब्बा हमने रखा हुआ है, एक बड़ा वाला बड़ा डब्बा रख दिया उधर, उसमें भी खाना दे देते हैं हम माशाल्लाह हमारी मुर्गी को। ये देखें, और उधर जो है ना मुश्ताक भाई बुरश लगा रहा है पानी हमारी मुर्गी के उधर गा रहा है, वो हमारी डक्स मुर्गी नहीं सॉरी डक्स, उसके लिए ये तालाब भी बनाया हुआ है हम लोगों ने। और वो देखें, वो है हमारी डक्स माशाल्लाह, वो देखें जी। इधर से देखें जो हमारी मुर्गी माशाल्लाह कितना है, देखें 300 दाना मुर्गी का, जो बड़ा दाना है 300, और छोटा ये इधर भी खड़ा हुआ है उस साइड में 200 दाना खड़ा हुआ है, अंदर में भी 300 दाना है हमारे पास चूज़ा। और इधर भी है छोटे छोटे बहुत सारे हैं माशाल्लाह हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अभी ये मुर्गी जो है ना, कुछ मुर्गी जो है ना इसमें अंडे दे रही है, कुछ जो है ना नहीं दे रही, क्योंकि हम अंडे वाली खुराक बिल्कुल भी नहीं देते हमारी मुर्गी को। और इस साइड में जी हमारे छोटे मुर्गी के चूजे, इस साइड में जी हमारे छोटी मुर्गी के चूजे हैं। ये जो छोटे चूजे थे हमने उस गुरफे में बंद किए हुए थे, वो इसको पैर में निकाल दिया, अभी इस साइड में लेके आए हैं हम। और इसमें जो है ना हमारे पास जो है ना तित्री के भी 3-4 दाने हैं, ये देखिए ये घूम रही है, 2 तित्री साथ में और तीसरी उस साइड में, ये आप देख सकते हैं, हमने इसको मुर्गी के साथ में रखा हुआ है। अभी इनको भी खाना दे दिया और पानी भी दे दिया माशाल्लाह, चेक करें खाना खा रहे हैं। ये जो है ना ये 2 महीने का चूज़ा हमारे पास खड़ा हुआ है, और इस साइड में जो है ना हमारे पास 1 महीना 15-20 दिन का दाना है,
ये देखिए, ये जो है मैंने पहले भी दिखाया आप लोगों को। और इधर हमारी मुर्गी है माशाल्लाह, गोल्डन मुर्गी भी है, देसी मुर्गी भी है, सारी मुर्गी है इसमें। ये देखिए, ये देसी मुर्गी है हमारे पास माशाल्लाह, देसी चूजा ये, क्योंकि ये अभी तक अंडे नहीं दे रही क्योंकि ये बहुत ही छोटा दाना है, इसकी उम्र जो है ना इतना बड़ी नहीं है। ये दिखाता हूँ मैं आप लोगों को हमारे पास जो चकोर रखे हुए हैं वो, और ये देखिए ये चकोर हैं ये हमारे पास माशाल्लाह, ये चकोर। और इधर जो हमारे पास जो मशीन रखी हुई है, चूजे निकलवाए हुए हैं हमने उधर से, हमारे पास जो चूजे हैं ये देखिए ये खड़े हुए हैं, 60, 70, 50 और 60 दाना है जो हमारे पास ये चूजा है हमारी मुर्गी का माशाल्लाह। ये अभी तक की तकरीबन 4 से 5 दिन का चूजा ये हमारे पास खड़ा हुआ है, देखिए माशाल्लाह, ये भी देसी मुर्गी का चूजा है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट से हैं। हमारे पास जो मशीन रखी हुई है 1000 अंडे वाली है, उससे जो है ना हम ये मशीन में अंडे रखते हैं मुर्गी के, और उधर से ये चूजे देख के निकला है माशाल्लाह। और इस साइड में देखें जी, हमने डाक से को जो है ना बहर में निकाल दिया, ये देखें मुश्ताक भाई ने डाक से को बहर में निकाल दिया है, वो देखें जी आप लोगों को इधर से दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, और इस साइड में जो हमारे न्यू डक्स जो वो इस साइड में बंद है माशाल्लाह जी, तकरीबन 700 के करीब, 700 जो 800 के करीब जो है ना हमारे पास मुर्गी है चूजे के साथ में। ये चूजा भी है हमारे पास जो पहले मैं आपको दिखा रहा था, ये देखेंगे माशाल्लाह, ये 200 चूजा है हमारे पास, ये भी आप देख सकते हैं 1 महीना 10-15 दिन का चूजा है हमारे पास माशाल्लाह, सारा देसी चूजा है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो छोटे से बिल्कुल ही छोटा दाना ख़रीद करके ले आए, जैसे मैंने वो उधर जो है ना वो दिखाया आप लोगों को, ऐसे हमने ऐसे ख़रीदा था, ये छोटा बहुत ही छोटा बस तकरीबन 5-6 दिन का था ये चूजा जब हमने ख़रीद किया था। अभी ये देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है जल्दी, और ये पूरा का पूरा बिल्कुल ही फिट है माशाल्लाह, सही है, इसको किसी चीज़ की कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन भी हम खुद देते हैं और दवाई वगैरह खुद इसका इलाज करते हैं ना, अगर कोई दवाई वगैरह जो है ना हम खुद देते रहते हैं, पूरा का पूरा फिट है माशाल्लाह, कुछ भी नहीं है। देखें 5-6 दिन का 7 दिन का चूज़ा जो है ना वो ख़रीद करेंगे तो वो बिल्कुल ही फिट रहता है, उसमें कोई बीमारी नहीं लगती, क्योंकि वो छोटा होता है अंडे से निकलता है उस वक्त आप जो ख़रीद कर लें उसको फिर खुराक देते रहें और दवाई वगैरह खिलाते रहें टाइम पे, तो वो माशाल्लाह बिल्कुल ही सही रहता है, उसमें कोई वायरस वगैरह नहीं लगता। अगर हम ऐसे बड़ी दाना ख़रीद करेंगे मुर्गी का, जैसे ये बड़े दाने हैं मुर्गी के ऐसे ख़रीद करेंगे, तो वो जो है ना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें जो है ना कोई मुर्गी जो है ना वो जिस तरह जिधर से ख़रीद करते हैं वो लोग 10-12 मुर्गी जो है ना उसमें वो दे देते हैं, बीमार वाली 5-6 मुर्गी दे देंगे तो वो सारे को वायरस लग जाता है एक साथ। देखें जी माशाल्लाह, साइड में देखें जी हमारे मोर ने जो है ना अपना पर ऊपर किए हुए हैं, ये देखें जी माशाल्लाह, हैं ये देखें जी नाफुल मस्ती में खड़ा हुआ है ये। तो जी ये जो चूजा है ना मुर्गी इधर के जो है ना मैंने आपको दिखा दिया है, अब हमारे पास जो उस वुड में चूजा रखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ चल के, और मशीन भी दिखाता हूँ। और इस साइड में जी हमारे पास जो चूजा रखा हुआ है हमने, ये 300 दाना चूजे का रखा हुआ है हमने माशाल्लाह, ये देखें ये हमने छोटे से ख़रीद किए थे हमारे अरबाब ने, बहुत ही छोटे दाने ख़रीद किए थे। अब ये देखिए माशाल्लाह पूरे के पूरे सही हैं, कोई भी इसमें हमारा नहीं है, बिल्कुल भी ठीक खड़े हुए हैं। अभी थोड़ा मैं लाइट जो है ना बंद कर देता हूँ, फिर ये अच्छी तरह से दिखेंगे। अभी जो है ना आप लोग ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ऐसा चूज़ा ख़रीद करें अगर ख़रीदना चाहते हैं तो, ऐसा बिल्कुल ही छोटा सा चूज़ा ख़रीद करेंगे, इसको खुद वैक्सीन वगैरह देते रहेंगे तो उससे जो है ना ये बिल्कुल भी ठीक खड़ा रहता है माशाल्लाह, कोई वायरस वगैरह नहीं लगता। अगर मुर्गी बड़े वाले लेंगे तो उसमें जो है ना कोई मुर्गी बीमार होती है, एक मुर्गी बीमारी की वजह से सबको बीमारी लग सकती है। ये देखें आप,
ये 300 चूहा है हमारे पास माशाल्लाह। हमारे पास जो है ना ब्रायलर मुर्गी, ये देखें ये इधर है हमारे पास माशाल्लाह। अगर आप चूज़ा रखना चाहते हैं तो उसमें जो है ना ये लाइट लाल कलर की जो है ना ये लाजमी लगाएं, सर्दी में, गर्मी में नहीं, सर्दी में, क्योंकि ऐसे से जो है ना थोड़ा गर्मी नहीं होता है, पैदा होता है, और मुर्गी का चूज़ा जो है ना वो बिल्कुल भी सही खड़ा रहता है, उसको कोई नज़ला बुखार और सर्दी वगैरह नहीं लगती। अगर सर्दी लगती है तो फिर मुश्किल हो जाता है। यहाँ जी हमारे पास मशीन 1000 चूहे वाली, ये अंडे वाली, जिससे में हम 1000 जो है ना इसमें अंडा आ सकता है आसानी से। 500 अंडा इसमें आ सकता है, 500 अंडा इसमें, और इसमें जो है ना कुछ चूहे निकले हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये मशीन फुल है माशाल्लाह। ये था जो अंडे है ना हमने ख़रीद किए थे, और इसमें जो चूहे हैं ना कुछ निकले हुए हैं 6, और ये 7 चूहे निकले हुए हैं। अभी ये देखें, ये अभी निकला है, ये अभी निकल रहे हैं, देखें माशाल्लाह। ये कुछ अंडे जो है ना फट रहे हैं, इसमें से जो है ना अभी था जो है ना ये चूहा निकल रहा है मुर्गी का। जो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।